top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आप सभी को समय समय पर हम लोग उन बातों की उन तथ्यों की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं जिस पर दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के विद्वत जन में, दिल्ली की मीडिया में चर्चा होता रहता है। आप सभी को पता है और हमें विश्वास है कि जो सरकार दिल्ली में इस समय कार्य कर रही है, जिसने दिल्ली से 70 में से 67 सीट लिए, उस आम आदमी पार्टी सरकार के, दिल्ली सरकार के खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। हालांकि ये तो कई बार प्रकट हुआ है, लेकिन आज मैं जिन बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष बैठा हूं वो एक नया मामला है। आप सभी को पता है कि इनके 21 विधायकों पे कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और 21 विधायकों को लाभ का पद देने के लिए हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार हार चुकी है, केस हार चुकी है और किसी भी समय इस बात की घोषणा हो सकती है कि उन 21 विधायकों के स्थान पे जल्दी ही दोबारा चुनाव कराया जाए। इनको अयोग्य करार माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दे चुकी है। अभी तो हम लोग इसी में थे कि जो आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हमेशा ही शुचिता की बात करते थे, अगेंस्ट करप्शन की बात करके राजनीति में आए, उन्होंने भ्रष्टाचार को, गलत कार्यों को ही अपना संसाधन बना लिया है आगे बढ़ने के लिए। 29 अप्रैल को इन लोगों ने 11 और विधायकों को लाभ का पद दिया था जो कि किसी कारण से संज्ञान में नहीं आ पाए हमारे यहां। 21 विधायकों से अलग 29 अप्रैल 2015 को लाभ के पद संबंधी नियमों की अवहेलना कर दिल्ली के 11 जिलों की आपदा प्रबंधन कमेटियों का को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बॉडी से ही लोग हो सकते हैं और लोकल बॉडीज दिल्ली सरकार नहीं होती है, लोकल बॉडीज निगम होती है। लेकिन इन्होंने ये सब अवैध नियुक्तियां राजनीतिक रेवड़ियों के रूप में मार्च अप्रैल 2015 में उस वक्त की जब आम आदमी पार्टी में उठापटक चल रही थी। ये 11 विधायकों की नियुक्ति आपदा प्रबंधन संबंधी विधेयक की धारा 14, 24, 2H आदि की अवहेलना। आप सभी को सुनते हुए बहुत आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि 21 तो पहले ही से अयोग्य होने के कगार पे है, 11 और जुड़ गए तो 21 और 11 32 हो गए, कुछ इनके पास है नहीं तो ये तो आत्मत में आ गए। मतलब आप एक प्रकार से देखें तो दिल्ली की सरकार कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये इस समय अल्पमत में ही है।